हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी पे। दोस्तों, हम फंडामेंटल के टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आज का नया टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वाइटल साइंस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन वाइटल साइंस से क्या है कॉमनली पूछे जाते हैं आपके होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो वाइटल साइंस की अपन बात करते हैं कि वाइटल साइंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे कैसे एसेस करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वाइटल्स। वाइटल्स का मीन्स क्या होता है? वाइटल मीन्स एब्सोल्यूट नेसेसरी। ठीक है, एब्सोल्यूट नेसेसरी यानी कि जिनकी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, अगर अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो वाइटल साइंस क्या होते हैं? ऐसे कुछ साइंस होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी की फिजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इनको असेसमेंट के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी है। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ ए पेशेंट्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल हो या फिर साइकोलॉजिकल। ठीक है, ऐसे कुछ भी इंडिकेटर्स जो आपके पेशेंट की क्या फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन? वाइटल साइंस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं वाइटल्स पे, तो एक जगह अपन और पढ़ते हैं वाइटल्स, वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो वाइटल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं आपकी बॉडी में जिनकी स्मूथ फंक्शनिंग अगर हो रही है तो आपकी बॉडी का जो वर्क आउटकम होगा वो कितना होगा? ऑप्टिमम लेवल पे होगा, यानी कि मैक्सिमम लेवल पे होगा। ठीक है, जैसे कि वाइटल ऑर्गन्स की मैं बात करता हूं कि कितने होते हैं आपके? 5 होते हैं, नंबर ऑफ वाइटल ऑर्गन्स आर 5। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रेन आपका, ये क्या है आपका? वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अलावा लंग्स, हार्ट, लीवर एंड किडनी। अगर ये सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में अच्छे से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी बॉडी क्या कर रही है? प्रॉपर फंक्शन कर रही है। अगर इनमें कोई माइनर सा भी अल्टरेशन आता है, इनमें कोई भी अल्टरेशन होता है, इनके फंक्शनिंग में कुछ भी डिस्टर्बेंस आता है, यानी कि आपकी बॉडी की जो फिजिकल हेल्थ या फिर साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे? चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वाइटल साइंस कितने होते हैं। वाइटल साइंस की अगर मैं बात करूं तो इनको 2 कैटेगरीज में अपने डिवाइड कर दिया, एक स्टैंडर्डाइज्ड वाइटल साइंस, एक नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वाइटल साइंस। तो पहले मैं बात करूंगा स्टैंडर्डाइज्ड वाइटल साइंस की। स्टैंडर्डाइज्ड वाइटल साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये आते हैं आपके 4, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड वाइटल साइंस होते हैं, टेम्परेचर, पल्स, बीपी एंड रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करता हूं आपके नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वाइटल साइंस के बारे में बात करें तो इसमें कौन सा होता है? 5th आपका जो वाइटल साइन होता है पेन होता है, देन आपका SpO2 हो गया, ग्लासगो कोमा स्केल हो गया एंड रैंडम ब्लड शुगर हो गया। ये सारे भी किसके आपकी बॉडी की वाइटल साइंस को ही इंडिकेट करते हैं। तो इनको अपन अच्छे से डिवाइड टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया वाइटल साइंस कितने आपके? 2 टाइप के, स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। अगर स्टैंडर्डाइज्ड की बात करते हैं तो इनमें मैंने क्या क्या नाम बताया आपको? सबसे पहला आपका टेम्परेचर, नेक्स्ट आपका क्या है? पल्स, नेक्स्ट आपका रेस्पिरेशन एंड लास्ट वन इज ब्लड प्रेशर। ये हो गए आपके स्टैंडर्डाइज्ड वाइटल साइंस। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड की अगर मैं बात करूं तो आपका 5th वाइटल साइंस होता है, वो होता है आपका पेन। ठीक है, एंड 6th जो आप बोलते हैं सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन, SpO2। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो GCS, ग्लासगो कोमा स्केल,
एंड रैंडम ब्लड शुगर। जिसको अपन आरबीएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैसे हो गए आपके नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वाइटल साइंस हो गए, ठीक है। एंड स्टैंडर्डाइज्ड वाइटल साइंस में कौन कौन से आ गए आपके टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। इन सभी को अपन अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे कि क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से आपकी बॉडी की कंडीशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टैंडर्डाइज्ड वाइटल साइंस में बात करेंगे टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर क्या होता है, सबसे पहले आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर आपकी बॉडी का क्या, हीट, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर कितनी हीट मेंटेन है। यानी कि आपकी दो प्रोसेसिंग होती हैं, एक हीट जनरेशन होती है, एक हीट लॉस होता है, ठीक है। एक थर्मोजेनेसिस, एक थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस और थर्मोजेनेसिस के दोनों की कंडीशंस के बाद में जो आपकी बॉडी का ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, आपका टेम्परेचर होता है, यानी कि कितना हीट, डिग्री ऑफ हीट। नेक्स्ट अपन इसको डिटेल से बात करेंगे। अपन हेडिंग डालेंगे क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय बॉडी, ठीक है, आफ्टर थ्रू द प्रोसेस ऑफ थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, ठीक है। अगर मैं जेनेसिस की बात करता हूं यानी कि इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, यानी कि आपकी हीट का प्रोडक्शन होना, एंड थर्मोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, लॉस, और हीट का लॉस होना। आपकी बॉडी से मोस्टली हीट का लॉस किस फॉर्म में होता है, वाटर के फॉर्म में, जैसे आपके यूरिन के थ्रू हो गया, ठीक है, आपकी बोवल्स के थ्रू हो गया, आपके रेस्पिरेशन में इवापोरेशन, जो आपका वाटर का जो इवापोरेशन हो रहा है उसके थ्रू हो गया। तो ये सभी क्या हो रहा है, आपका हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका हीट लॉस के टाइप हो गए। अपन बात करेंगे इसके बाद में कि टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की मैं बात करूं तो आपकी बॉडी का कितना होता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या होता है, आपकी बॉडी का नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर होता है, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर। मैं आपको आगे बताऊंगा कि दो तरीके के टेम्परेचर होते हैं आपका, एक तो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है, एक सरफेस बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर अपन एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ हीट, एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आजकल जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस काफी अच्छे पूछे जाते हैं आपके एम्स के एग्जाम में, जो 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरल साइंस से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, जीके, मैथ, रीजनिंग, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, तो आपको आंसर क्या करना है, वो क्या होती है, आपकी केल्विन होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि किस किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर हीट, पहले अपन बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ टेम्परेचर। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के टेम्परेचर अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं। पहला होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज कोर बॉडी टेम्परेचर। तो पहला है अपन ए लेते हैं यहां पे, सरफेस बॉडी टेम्परेचर। अगर सरफेस बॉडी टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, आपकी बॉडी का सुपरफिशियल, आपकी स्किन का क्या होता है, टेम्परेचर होता है, या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर ऑफ स्किन, एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ठीक है। जैसे अपन साइट्स की बात करते हैं, सुपर सरफेस बॉडी टेम्परेचर की साइट क्या क्या होती हैं, जैसे आपका ओरल
वे हो, ओरल हो गया आपका, ओरल टेम्परेचर अपन जो असेस करते हैं, एक्सिलरी, ग्रोइन, तो इन सभी सर्फेसेस से अपन क्या कर सकते हैं, सरफेस बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कोर बॉडी टेम्परेचर के बारे में। कोर बॉडी टेम्परेचर किसी स्पेशल कंडीशन में अपन को क्या करना होता है, असेस करना होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है, बॉडी की जो इनर टेम्परेचर होता है उसको क्या करना होता है, असेस करता है, असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ डीप टिश्यूज, यानी कि आपके बॉडी की जो डीप टिश्यूज होते हैं उनका टेम्परेचर अपन आपको क्या करना है, असेस करना है, तो अपन क्या करेंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर क्या करेंगे, असेस करेंगे। कब कब असेस करते हैं, जैसे आपके पेशेंट कोई आया जिसको क्या हो रहा है, हाइपरथर्मिया, ठीक है, हाइपरथर्मिया हो गया या फिर हाइपोथर्मिया हो गया, ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करके अगर कोई आया है, तो इन सभी क्लाइंट्स के लिए अपन क्या करेंगे, उनका कोर बॉडी टेम्परेचर क्या करेंगे, अपन असेसमेंट करेंगे। साइट की अगर मैं बात करूं कोर बॉडी टेम्परेचर की, साइट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है, तो साइट्स में क्या क्या होंगे, जैसे आपका सबसे पहला साइट हो गया आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका रेक्टम, वजाइना, इन सभी साइड से अपन क्या कर सकते हैं, एक आपका हो गया ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, तो इन सभी साइड से अपन क्या कर सकते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं एक क्लाइंट का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि टेम्परेचर को असेस करने के लिए जो इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या होता है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर का कुछ हिस्ट्री के बारे में अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो थर्मोमीटर इन्वेंट किया था वो किसने किया था, अभी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसे आपके किसने, थॉमस एल्बर्ट ने क्या किया था, इन्वेंट किया। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर असेसमेंट की मैं बात करूं तो किसके थ्रू होता है, बाय थर्मोमीटर। बाय थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की अगर अपन बात करते हैं कि थर्मोमीटर किसने इन्वेंट किया था, तो सबसे पहले एयर थर्मोमीटर क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था एयर थर्मोमीटर, ये किसने इन्वेंट किया था, गैलीलियो गैलीली ने। कब किया था, 1553 में, ठीक है, ये कब इन्वेंट किया था, 1453 में क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था आपका एयर थर्मामीटर, किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं मर्करी थर्मामीटर, तो ये किसने, फोरेन गैब्रियल हाइट, गैब्रियल फॉरेन हाइट ने इन्वेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आजकल जो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज हो रहा है, ये किसने, सर थॉमस एल्बर्ट ने क्या किया है, 1866 में इन्वेंट किया था, किसने, सर थॉमस एल्बर्ट ने 1866 में आपका क्लिनिकल थर्मामीटर क्या किया गया था, इन्वेंट किया था। तो ये था कुछ थर्मामीटर के बारे में। अगर मैं बात करूँ थर्मामीटर के बारे में थोड़ी बहुत, तो अपने क्या होता है, एक जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रीडिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक बल्ब होता है, एक स्टेम होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, आपका स्टेम पार्ट होता है, और ये कौन सा होता है, बल्ब। अब मैं अगर रीडिंग की बात करूं तो ये कितना होता है, 95 से क्या होता है, 110 डिग्री फॉरेनहाइट होता है इसके अंदर रीडिंग का स्केल, एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, रीडिंग स्केल होता है। यानी कि इस रेंज के टेम्परेचर्स को आप किसके थ्रू, क्लिनिकल थर्मामीटर्स के थ्रू क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ये थर्मामीटर के बारे में था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि रेगुलेशन ऑफ
टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेगुलेशन कहां से कैसे होता है, ठीक है। तो कौन करता है, सबसे पहले बात करते हैं अपन रेगुलेशन कौन करता है, तो कौन करता है आपका हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो रेगुलेशन की बात करते हैं तो कौन सा ऑर्गन करता है आपका हाइपोथैलेमस, कौन करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की मैं बात करूं कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू आपको क्या मिलता है, हीट मिलती है। तो अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कहां होता है आपके लीवर में होता है, मेटाबॉलिज्म कहां होता है लीवर में होता है, और लीवर से ही क्या होता है मोस्टली हीट का प्रोडक्शन होता है। तो वो अगर पूछे किसी एग्जाम में कि प्रोडक्शन ऑफ हीट अकर्स एट लीवर थ्रू मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म की जो भी रिएक्शंस होते हैं उनके थ्रू क्या होता है हीट का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कोई पर्सन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहा है तो उसे कितना हीट मिलेगा, उसको 4 किलो कैलोरीज क्या मिलेंगी, उसको एनर्जी मिलेगी, साथ में उसको क्या मिलेगा हीट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उसको भी कितना 4 किलो कैलोरीज क्या मिलेंगी आपका हीट मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करूं 1 ग्राम फैट से तो इसे कितना 9 किलो कैलोरीज आपका हीट मिलेगा। अगर मैं बात करता हूं 1 ग्राम ऑफ एल्कोहल से, एल्कोहल से जानना बहुत जरूरी है, तो इतना इससे कितना मिलेगा 7 किलो कैलोरीज क्या मिलेगा आपको हीट मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज से तो इससे कितना 5.3 कैलोरीज आपको क्या मिलेगा हीट मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके हीट जनरेशन यानी कि थर्मोजेनेसिस, यानी कि आप कितना फूड अगर खाओगे, फूड का टाइप आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, अल्कोहल हो गया एंड डेक्सट्रोज हो गया, ठीक है। तो इन सभी को अगर आप इनटेक करते हो तो कितना आपका एनर्जी का या फिर कितनी आपकी हीट का जनरेशन आपकी बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्मोजेनेसिस के लिए ही तो एक और होता है एसडीए, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, ठीक है। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड क्या होता है, आपकी जो आप क्या कर रहे हो, जो भी फूड इंटेक कर रहे हो उसकी प्रोसेसिंग में यानी कि उसके डाइजेशन में, उसको आप च्यू कर रहे हो, वो आपकी जो इंटेस्टाइन में वहां से क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, आपके लीवर में क्या हो रहा है मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म के बाद में उसको जितना आपको जरूरत होगी वो यूज कर लिया जाएगा, बाकी को क्या कर लिया जाएगा स्टोर कर लिया जाएगा। इस सारी प्रोसेसिंग के दौरान जो आपकी एनर्जी का यूज हो रहा है वो क्या होता है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज द एनर्जी required for processing of food. अब इस processing में through the from intake to storage. जो भी आपकी energy का use हो रहा है वो किस में आएगा आपका SDA के अंदर आएगा, यानी कि specific dynamic action of food होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ किसका कितना होता है, जैसे आपकी प्रोटीन का स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन कितना होता है, ठीक है, फैट का कितना होता है, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एसडीए ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो मैं आपका 3 से 4% होता है, यानी कि 3 से 4% एनर्जी का यूज होता है आपके कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेसिंग के दौरान। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फैट के लिए तो ये होता है आपका अराउंड 15%, अगर मिक्स डाइट है तो ये होता है आपका 12%, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपके प्रोटीन के लिए तो प्रोटीन का एसडीए सबसे ज्यादा होता है, अराउंड 30% होता है एसडीए किसका,
प्रोटीन का, तो ये होता है SDA। इसके थ्रू भी क्या होता है आपके, अब अगर एनर्जी का यूज़ हो रहा है तो उसके रिजल्ट में अपने को क्या मिलेगी, हीट का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका SDA, यानी कि दो तरीके से आपकी क्या होगी, हीट का जनरेशन हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ हीट जनरेशन के लिए, जैसे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जो भी एथलीट होते हैं उनकी मसल्स के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी मसल्स को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो उसमें भी क्या होता है, मेटाबॉलिक नीड बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक नीड अगर किसी क्लाइंट की बढ़ रही है तो उसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, यानी कि एथलीट्स की बॉडी टेम्परेचर क्या होगी, नॉर्मली थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी बॉडी के अंदर हीट लॉस किस किस फॉर्म में होता है, वेज ऑफ हीट लॉस फ्रॉम बॉडी। अगर हीट लॉस के बारे में बात करते हैं तो चार आपके सिस्टम से क्या होता है, मोस्टली हीट लॉस देखने को मिलता है। पहला अगर बात करते हैं तो पहला आपका कौन सा होगा, स्किन होगा, ठीक है। पहला कौन सा होगा आपका ऑर्गन, स्किन। सेकेंड ऑर्गन कौन सा होगा आपका, किडनी। किडनी से किस फॉर्म में होगा आपके, यूरिन के फॉर्म में। ये कितना होता है, अराउंड 800 टू 1500 ml पर डे। नेक्स्ट होगा आपका बोवेल, बोवेल से अराउंड कितना आपका, 150 ml टू 300 ml क्या देखने को मिलेगा आपको, वाटर लॉस देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से अगर बात करें तो अराउंड 700 ml क्या देखने को मिलेगा, वाटर का लॉस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ स्किन का, तो स्किन से जो आपका वाटर लॉस या फिर हीट लॉस जो हो रहा है, उसके कितने मेथड होते हैं, चार मेथड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेथड की बात करते हैं स्किन से, तो सबसे पहला मेथड हो गया आपका रेडिएशन। इससे अराउंड 60% ऑफ हीट लॉस आपका देखने को मिलता है। रेडिएशन की अगर मैं बात करता हूँ तो रेडिएशन से कितना टोटल हीट लॉस का, कितना अराउंड 60% हीट लॉस देखने को मिलता है। इसके अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। मीडियम की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होती, नो डायरेक्ट टच, यानी कि नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं होता और मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, ठीक है। थ्रू द रेडिएशन क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, कितना परसेंट, अराउंड 60% ऑफ टोटल हीट लॉस किसके थ्रू देखने को मिलता है आपका, रेडिएशन मेथड के थ्रू देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड, तो ये होता है इवापोरेशन। इवापोरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इवापोरेशन के अराउंड 22% टोटल हीट लॉस का 22% किसके थ्रू देखने को मिलता है, इवापोरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि भाप के रूप में जो आपका वाटर लॉस हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर की फॉर्म में क्या देखने को मिलेगा, यहां पे वाटर लॉस देखने को मिलेगा, मोस्टली किस सिस्टम के थ्रू, थ्रू रेस्पिरेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है वाटर लॉस। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके कन्वेक्शन, सी इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है, जो मीडियम होता है वो क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है मीडियम, यहां पे क्या होगा, एयर। मीडियम इज सर्कुलेटरी एयर, सर्कुलेटरी एयर क्या होता है यहाँ पे, मीडियम होगा। और कन्वेक्शन के थ्रू टोटल हीट लॉस का कितना परसेंट, अराउंड 12% ऑफ टोटल हीट लॉस किसके देखने को मिलता है, कन्वेक्शन के थ्रू। यहाँ पे मीडियम क्या होता है, सर्कुलेटरी एयर। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कन्वेक्शन मेथड कहाँ यूज होता है, तो आपका जो रेडिएंट वार्मर जो होता है, रेडिएंट वार्मर का जो प्रिंसिपल होता है वो किस क्या प्रिंसिपल, कन्वेक्शन मेथड के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। रेडिएंट वार्मर में अगर हम बात करें तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक नीचे जो प्लेट होती है यहाँ पे क्या करते हैं, बेबी को प्लेस करते हैं, और एक हीट पैड होता है जो कहाँ होता है, अपर साइड में क्या होता है, सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जो एयर जो होती है, सर्कुलेटरी एयर जो होती है, यहाँ से वार्म्थ को लेकर कहाँ तक पहुँचती है, आपके बेबी तक पहुँचती है, यानी कि यहाँ पे मीडियम क्या हो गया आपका, सर्कुलेटरी
एयर हो गया, ठीक है, इससे आपको क्या करता है वहाँ पे हीट का लॉस देखने को मिल सकता है, यानी कि हीट का प्रोडक्ट अपन हीट का ट्रांसफर देख रहे हैं एक तरीके से। तो हीट का ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है यहाँ पे, सर्कुलेटरी एयर के थ्रू। एग्जाम्पल की बात करूँ तो रेडिएंट वार्मर में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो क्या होता है आपका, कन्वेक्शन मेथड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी, अगर इसके बारे में मैं बात करता हूं, कन्वेक्शन के बाद में होता है कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन मेथड की अगर बात करूं तो टोटल एनर्जी का अराउंड 3-5% क्या होता है हीट लॉस देखने को मिलता है आपका कंडक्शन मेथड के थ्रू, ठीक है। कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करता हूं जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल कोल्ड स्पंजिंग, हैंड वॉश, ठीक है, इन सभी में अगर हीट लॉस देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोल्ड स्पंजिंग में जो आपका स्पंज होता है जिसको आप क्या करते हो वेट करके क्या करते हो बॉडी पे क्या करते हो अप्लाई करते हो, ठीक है, उससे क्या होता है जो हाई टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर टू किधर आपकी जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर यहाँ पे किसका होगा कोल्ड स्पंज का होगा, तो हीट का क्या होता है ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हैंड वॉश के थ्रू अगर आपका वाटर लॉस या फिर हीट लॉस जो हो रहा है वो किसके थ्रू होता है, कौन से मेथड के थ्रू होता है, आपके कंडक्शन मेथड के थ्रू होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ हीट लॉस के टाइप्स की ही, तो दो टाइप का हीट लॉस और होता है, एक सेंसिबल हीट लॉस होता है, एक इनसेंसिबल हीट लॉस होता है। अगर मैं सेंसिबल हीट लॉस के बारे में बात करता हूँ तो वो क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जिसको आप मेजर कर सकते हो, जो हीट लॉस हो रहा है या वाटर लॉस जो हो रहा है जिसको आप क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो, जैसे आपका यूरिन आउटपुट हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग हो रही है उसको हो गया, वोमिटिंग हो गया, बोवेल के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो इन सभी में जो वाटर लॉस हो रहा है उसको आप क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो। इस तरीके के हीट लॉस को क्या बोलेंगे अपन, सेंसिबल हीट लॉस। दूसरा होता है इनसेंसिबल हीट लॉस, इनसेंसिबल हीट लॉस वो होता है जिसको आप क्या नहीं कर सकते मेजर नहीं कर सकते, जैसे आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है उसको आप क्या नहीं कर सकते मेजर नहीं कर सकते, स्वेटिंग के थ्रू जो क्या हो रहा है वाटर लॉस हो रहा है उसको अभी आप क्या नहीं कर सकते मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने को बताई हुई है, तो अपन देखते हैं सेंसिबल एंड इनसेंसिबल हीट लॉस क्या होता है। एक होता है नेट सेंसिबल हीट लॉस, एक टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस, ठीक है, इन सभी के बारे में देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपका इनसे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे क्या, सेंसिबल हीट लॉस, सेंसिबल हीट लॉस। सेंसिबल हीट लॉस तो ये क्या होता है, इट कैन बी मेजरेबल, ये क्या होता है मेजरेबल होता है, इट कैन बी मेजरेबल, ये क्या होता है आपका मेजरेबल होता है। अगर सेंसिबल हीट लॉस की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि किडनी के थ्रू कितना हो रहा है, 800 से 1500 ml क्या हो रहा है वाटर का लॉस हो रहा है, बोल से कितना होता है 150 टू 300 ml वाटर लॉस हो रहा था, तो ये सभी किस में आएंगे आपके सेंसिबल हीट लॉस में। एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं तो थ्रू किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, डायरिया, ठीक है, बोवल, इन सभी से जो वाटर का लॉस हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग, मतलब ऐसा कोई भी वाटर लॉस जिसको आप क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो वो किसमें आएगा आपके सेंसिबल हीट लॉस के अंदर मेजर किया जाएगा। सेकंड वन इज इनसेंसिबल हीट लॉस, इनसेंसिबल हीट लॉस। अगर इनसेंसिबल हीट लॉस की मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या क्या था, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते मेजर नहीं कर सकते फील नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी मेजरेबल, यानी कि ये क्या होगा इसको अपन मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है, जो वाटर का लॉस हो रहा है वो अराउंड कितना होता है आपका 700 ml, ठीक है, अराउंड कितना होता है 700 ml इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो, ठीक है, तो उसको मेजर नहीं कर सकते, या फिर नॉर्मल स्वेट हो गया, ठीक है, तो इन सभी को क्या बोलेंगे अपन, इनसेंसिबल हीट लॉस। अब अपन बात करते हैं कि टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस कितना हो गया, अराउंड आपका
सिर्फ और सिर्फ मेजर लेकर बात करते हैं तो कितना होता है 700 ml। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि टोटल इनसेंसिबल हीट लॉस तो कितना होगा आपका 700 ml। अब अपन बात करते हैं एक और होता है एक्सोजीनसली वाटर प्रोडक्शन। एक्सोजीनसली वाटर प्रोडक्शन इसकी जो अमाउंट होता है वो अराउंड कितना होता है आपका 300 ml। यानी कि 300 ml वाटर का प्रोडक्शन होता है आपकी बॉडी में डेली एक्सोजीनसली, यानी कि सेल्स के बाहर जो रिएक्शंस होती है उनके थ्रू, रिएक्शंस के थ्रू जो वाटर का प्रोडक्शन जो होता है वो कितना होता है अराउंड 300 ml। तो इसको भी अपन क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। अब मैं बात करता हूं नेट इनसेंसिबल हीट लॉस, नेट इनसेंसिबल हीट लॉस, नेट इनसेंसिबल हीट लॉस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनसेंसिबल हीट लॉस कितना था 700 ml। ठीक है, अगर इसको माइनस करेंगे यानी कि वाटर प्रोडक्शन क्या होगा आपका, हीट का प्रोडक्शन हो गया, ये लॉस था ये प्रोडक्शन हो गया, तो इसमें से अपन क्या करेंगे 300 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया नेट इनसेंसिबल हीट लॉस कितना होगा आपका 400 ml। यानी कि 400 ml अगर नेट इनसेंसिबल हीट लॉस के बारे में बात करें तो कितना होगा 400 ml। तो ये आपका आंसर होगा, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है नेट इनसेंसिबल हीट लॉस कितना होता है, तो कितना होता है 400 ml होता है आपका नेट इनसेंसिबल हीट लॉस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं। थर्मामीटर क्या था आपका, हीट को मेजर करने वाला क्या होता था, इंस्ट्रूमेंट होता था। ठीक है, होता है मतलब। तो अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो थर्मामीटर है आपका कौन सा है, क्लिनिकल थर्मामीटर। पहला कौन सा है, क्लिनिकल थर्मामीटर। इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि सर थॉमस एल्बर्ट एंड क्लिफोर्ड ने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था 1866 में। ठीक है, रीडिंग स्केल के बारे में बात करी थी अपने, रीडिंग स्केल तो ये कितना होता है अगर मैं बात करूं फॉरेन हाइट में तो 95 डिग्री टू 110 डिग्री फॉरेन हाइट तक का इसका क्या होता है, रीडिंग स्केल होता है। या फिर मैं बात करूं 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, इसका रीडिंग स्केल होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लीनिंग के बारे में। ठीक है, क्लीनिंग का मैंने क्या बताया था आपको, प्रिंसिपल बताया था जब बेड सोर की क्लास, ठीक है, जब बेड सोर की क्लास मैंने आपको बताई थी उसके अंदर क्लीनिंग का प्रोसीजर मैंने बताया था कि बेड सोर के वुंड को किस तरीके से आप क्लीन करोगे, तो वहाँ पे मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था। अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बेड सोर की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो क्लीनिंग के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, मोर इन्फेक्शियस टू, सॉरी लेस इन्फेक्शियस टू, लेस इन्फेक्शियस टू क्या होता है, मोर इन्फेक्शियस। क्यों, क्योंकि अगर आपने क्या कर दिया, मोर टू लेस कर दिया, तो यहां का जो ज्यादा इन्फेक्शन था वो आपने कहां पे ले दिया, जहां पे इन्फेक्शन बिल्कुल कम था। या फिर मैं बात करूं कि मोर क्लीन टू लेस क्लीन, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका प्रिंसिपल हो गया किसका, क्लीनिंग का। अब अगर अपन बात करते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर के कंटेस्ट में तो अपन क्या करते हैं, बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज, यानी कि आपको थर्मामीटर क्या करना है, यूज करना है और यूज करने के बाद में, दोनों टाइम पे अपने को क्या करती है, क्लीनिंग करनी होती है। तो बिफोर यूज मैंने आपको बताया था क्लिनिकल थर्मामीटर के दो पार्ट होते हैं, एक बल्ब होता है एक स्टेम होता है। ठीक है, तो बिफोर यूज क्या होता है, आपका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, मोर इन्फेक्शियस होता है बजाय किसके, आपके बल्ब के। ठीक है, क्या होता है बल्ब, एक तो हो गया बल्ब हो गया एंड एक हो गया स्टेम। ठीक है, तो बिफोर यूज आपका स्टेम क्या होता है, ज्यादा इन्फेक्शियस होता है बल्ब से। ठीक है, तो अपने को किधर से किधर करना है, बल्ब टू स्टेम क्या करना पड़ेगा आपको, क्लीन करना पड़ेगा। आफ्टर यूज की बात करते हैं, आफ्टर यूज, अब यूज में आपने क्या किया, बल्ब को पेशेंट से टच किया यानी कि इन्फेक्शियस ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आफ्टर यूज क्या करेंगे अपन, स्टेम टू बल्ब,
क्या करेंगे, इसकी क्लीन करेंगे। क्लीनिंग से आपके काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना प्रिंसिपल बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, लेस इन्फेक्शियस टू मोर इन्फेक्शियस करना है या फिर मोर क्लीन टू लेस क्लीन आपको क्या करना है, उसको क्लीन करना है। बिफोर यूज अगर मैं बात करूं तो बल्ब टू स्टेम आप करोगे, क्या करोगे उसको क्लीन करोगे, आफ्टर यूज अगर मैं बात करता हूं तो स्टेम टू बल्ब करोगे। अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर की दो डिग्रीज बताई, एक डिग्री फॉरेनहाइट बताया, एक डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनको कन्वर्ट करने के बारे में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कन्वर्जन के फॉर्मूलेज के बारे में, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है किसमें, डिग्री फॉरेनहाइट में, और उसको आपको क्या करना है डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो F माइनस 32 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 5/9 से। ये आपका किसका हो गया, आपका डिग्री सेंट, अगर आपको डिग्री फॉरेनहाइट दिया हुआ, डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको टेम्परेचर पूछता है तो आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। इसी के अलावा अगर डिग्री फॉरेनहाइट टू, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में क्या दे रखा है आपने, टेम्परेचर दे रखा है अब, और डिग्री फॉरेनहाइट अगर वो पूछ रहा है तो क्या होगा आपका 9C/5 प्लस 32, तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला किसके लिए हो गया, डिग्री फॉरेनहाइट के लिए, ठीक है। एक टेम्परेचर वैल्यू होती है जहां पर डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एट, नोट डाल के लिख लेना, एट -40 डिग्री टेम्परेचर बिकम इक्वल फॉर बोथ डिग्रीज, ठीक है। -40 डिग्री अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें चाहे डिग्री फॉरेनहाइट की, तो आपका आंसर क्या आएगा, -40 ही आएगा, यानी कि -40 डिग्री पे दोनों जो स्केल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी कि डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड अगर इक्वल की बात करते हैं तो कहाँ होते हैं, -40 डिग्री के टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं। तो ये सब था इसकी क्लीनिंग के बारे में और इसका जो बात करते हैं अपन कन्वर्जन फॉर्मूलाज के बारे में। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट इसके डिसइन्फेक्शन के बारे में कि किस तरीके से आपके क्लिनिकल जो थर्मामीटर है उसको क्या करना है, डिसइन्फेक्शन करना पड़ेगा। तो बात करते हैं डिसइन्फेक्शन, डिसइन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स, डिसइन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम ए सरफेस। ये सब आपको स्टरलाइजेशन में फिर से पढ़ाएंगे, डिसइन्फेक्शन क्या होता है, डिसइन्फेक्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ाएंगे। तो डिसइन्फेक्शन ऑफ थर्मामीटर, डिसइन्फेक्शन ऑफ थर्मामीटर, सबसे पहले अपन बात करते हैं डिसइन्फेक्टेंट, यानी कि जो आप क्या करोगे, एजेंट जो यूज कर रहे हैं डिसइन्फेक्शन के लिए उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्फेक्टेंट। तो पहला डिसइन्फेक्टेंट यहां पे डिटोल, डिटोल की अगर बात करते हैं कंसेंट्रेशन लेते हैं 1:40, इसमें कितने टाइम के लिए, 5 मिनट्स के लिए आपको क्या करना है, डिप करके रखना है, देन आपको यूज करना है, तो क्या हो जाएगा, डिसइन्फेक्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना लाइजोल, लाइजोल की अगर मैं बात करूं इसकी कंसेंट्रेशन होती है 1:20 और ये भी आपके 5 मिनट्स के लिए क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं फेरजिनोल करके एक जो होता है आपका, ठीक है, फेरजिनोल की अगर कंसेंट्रेशन की बात करता हूं 1:40 होता है और ये 3 मिनट्स के लिए आपको क्या करना है, इसको डिप करके रखना होता है, ठीक है। ये सॉरी सेवलोन के लिए था आपका, सेवलोन के लिए था आपका, कितना इसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 1:20 एंड 5 मिनट्स के लिए आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे। अब अपन बात करते हैं लाइजोल, लाइजोल के लिए अगर मैं बात करूं तो 1:40 आपका क्या होगा, कंसेंट्रेशन होगा और ये भी कितनी मिनट्स के लिए, आपको 3 मिनट्स के लिए इसके अंदर क्या करना होगा, आपको डिप करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बात हो गई, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर जो आपका यूज होने वाला जो पदार्थ है वो क्या होता है, आपका मरकरी होता है, ठीक है। मरकरी क्या करते हैं, यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में। मरकरी की कुछ क्या होता है, क्वालिटीज होती हैं, ये इक्वली एक्सपेंड होता है ऑन कॉन्टैक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद में इक्वली क्या होता है, एक्सपेंड होता है। इसकी इसी क्वालिटी की वजह से इसको किसके अंदर, आपके क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। मरकरी इज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर
ड्यू टू इट्स क्वालिटी ऑफ इक्वल एक्सपेंशन ऑफ इक्वल एक्सपेंशन टुवर्ड्स हीट. हीट के कॉन्टेक्ट में जैसे ही आपका मर्करी आता है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इक्वल एक्सपेंशन देखा जाता है. इसी क्वालिटी की वजह से इसको किस में यूज किया जाता है, आपके थर्मामीटर्स के अंदर यूज किया जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका मर्करी क्यों यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकेंड वन थर्मामीटर के बारे में. दूसरा थर्मामीटर आपका डिजिटल थर्मामीटर. ये क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में बात हो गई. दूसरा आपका डिजिटल थर्मामीटर. डिजिटल थर्मामीटर अगर मैं बात करूं, आजकल मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक थर्मोसेंसिटिव प्रोब होता है और बैटरी ऑपरेटेड होता है. थर्मोसेंसिटिव प्रोब को कैसे करते हैं, अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं और वहां से अपने को क्या देता है, ये रीडिंग दे देता है आपकी टेम्परेचर की. ठीक है, तो सेकेंड वन इज डिजिटल इंडिया डिजिटल थर्मामीटर. इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर कितना, 0 से 100 डिग्री तक ये क्या करता है, सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकते हैं इससे भी. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक थर्मोसेंसिटिव प्रोब होता है. एंड बैटरी ऑपरेटेड. ये क्या होता है, बैटरी ऑपरेटेड होता है और थर्मोसेंसिटिव प्रोब इसके अंदर होता है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड वन, लोसन थर्मामीटर. लोसन थर्मामीटर कहाँ यूज होता है, आपके लिक्विड्स के टेम्परेचर को असेस करने के लिए, टू असेस टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, लिक्विड्स के टेम्परेचर को असेस करने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाता है, लोसन थर्मामीटर. इसकी रीडिंग स्केल के बारे में बात करें तो 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, रीडिंग स्केल होता है. नेक्स्ट अगर मैं थर्मामीटर की बात करता हूँ, फोर्थ वन इज केमिकल डोट. ठीक है, या फिर टेम्पा डोट थर्मामीटर. इसके अंदर क्या होता है, टेम्पा डोट या थर्मामीटर के अंदर क्या क्या होता है कि इसके अंदर केमिकल डोट्स होते हैं, केमिकल डोट होते हैं, थर्मोसेंसिटिव इसका दूसरा नाम और होता है पेपर थर्मामीटर. टेम्पा डोट थर्मामीटर या फिर पेपर थर्मामीटर, थर्मोसेंसिटिव केमिकल डोट्स. Which shows color changes. By contact of temperature. जैसे ये temperature के contact में आते हैं, ये chemical dots क्या करते हैं, color changes show करते हैं, जिससे अपने को किसका पता लगा जा सकता है, temperature का पता अपन लगा सकते हैं. तो ये क्या हो गया, थर्मोसेंसिटिव केमिकल डोट्स. टेम्पा डोट ये क्या है, ब्रांड नेम है, आपके एम्स के क्वेश्चन पूछा हुआ है, एम्स के अंदर, एम्स के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, उसमें पूछा हुआ है कि पेपर थर्मामीटर का कौन सा है. पेपर थर्मामीटर का उन्होंने क्या दिया था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया था, जिसके अंदर क्या दिया था, उन्होंने इस तरीके से एक स्ट्रिप दी थी और उसके अंदर क्या था, यहाँ पे डोट्स दिखाए थे. ठीक है, ये डॉट्स क्या होता है, केमिकल के बने होते हैं और थर्मोसेंसिटिव होते हैं, यानी कि जैसे ही आपके हीट के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इनमें क्या होता है, कलर चेंजेस देखने को मिलता है. तो ये किसके नाम से आता है, टेम्पा डोट. टेम्पा डोट ब्रांड नेम से आता है. ठीक है, और क्या करता है, पेपर थर्मामीटर आपका टेम्परेचर को आउटपुट में बदल देता है. नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि इसकी रीडिंग स्केल की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो रीडिंग टाइम की अगर बात करते हैं, रीडिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, ओरल अगर आपने इसको क्या किया, अप्लाई किया है, तो 45 to 60 seconds के अंदर अपने को क्या देता है, रिजल्ट देता है. और अगर इसको एक्जिला में अपने अप्लाई किया है, एक्जिला में अगर अप्लाई किया है, तो 2 to
3 मिनट्स के अंदर क्या करता है, अपने रिजल्ट शो करता है। तो रीडिंग टाइम के बारे में ध्यान रखना है कि पेपर थर्मामीटर का रीडिंग टाइम क्या होता है। ओरली अगर आप इसका टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो कितना 45 to 60 seconds में आपको क्या करता है, रिजल्ट दे देता है। एंड ऑक्जिला की बात करें तो ऑक्जिला के अंदर क्या होता है, 2 to 3 मिनट्स के अंदर क्या करता है, रिजल्ट शो कर देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक और थर्मामीटर आपका बच गया है इसके अंदर, टिम्पेनिक थर्मामीटर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर की अगर मैं बात करूं तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस कर काम करता है आपका, इंफ्रारेड रेडिएशन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। और मोस्ट सबसे जल्दी अगर बात करते हैं, ठीक है, फास्टेस्ट अगर अपने को टेम्परेचर चेक करना है और कोर बॉडी टेम्परेचर चेक करना है तो कौन से थर्मामीटर के थ्रू करते हैं अपन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। फिफ्थ है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर की बात करें तो प्रिंसिपल क्या बताया था, प्रिंसिपल था इसका वर्क्स ऑन इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन से क्या करता है ये, अब इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। आजकल जो कोविड के टाइम पे जो ऑफिसेज में रेलवे स्टेशन पे जो थर्मामीटर यूज हुए हैं उनके अंदर भी इंफ्रारेड रेडिएशन के बेसिस पे क्या किया जाता है, वो भी फंक्शन करते हैं, ठीक है। कोर बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, प्रोवाइड्स कोर बॉडी टेम्परेचर। एंड रीडिंग टाइम की बात करें तो रीडिंग टाइम कितना होता है इसका, 2 सेकंड्स, यानी कि बहुत ही फास्टली ये क्या कर देता है, अपने रिजल्ट शो कर देता है और बहुत ही फास्टली अपने को कोर बॉडी टेम्परेचर से अपने को देखने को मिल जाता है। तो ये थे थर्मामीटर्स के बारे में, एक क्लिनिकल थर्मामीटर था, डिजिटल थर्मामीटर था, लोशन थर्मामीटर था, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर था। तो ये सभी क्या थे, थर्मामीटर के टाइप्स थे, एक आपका पेपर थर्मामीटर था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइट्स ऑफ टेम्परेचर, कॉमन साइट्स कौन कौन से थे जहां से अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन साइट्स ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉमन साइट्स के बारे में, इसके बाद में कुछ स्पेशल साइट्स के बारे में कि अपन कब कब वहाँ से टेम्परेचर अवॉइड करते हैं, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, क्या क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी है, कितना वहाँ से अपने को टेम्परेचर मिलता है, कोर बॉडी टेम्परेचर मिलता है कि सरफेस बॉडी टेम्परेचर मिलता है, इन सभी को अपन क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात है अपन कॉमन साइट्स की अगर बात करें तो जैसे आपका माउथ, एक्सिला, फोरहेड, रेक्टम, वजाइना, ठीक है, एंड ग्रोइन, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी से भी अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर का असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपकी कॉमन साइट्स ऑफ टेम्परेचर असेसमेंट। अब अपन बात करेंगे एक वन बाय वन का, ठीक है, माउथ के बारे में अपन बात करेंगे, एक्सिला के बारे में बात करेंगे, रेक्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इन तीनों के अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में, माउथ के बारे में, माउथ या फिर ओरल टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो कितना आएगा, सबसे पहले वैल्यू क्या होगी इसकी, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या अपने को नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलेगा अगर अपन ओरली क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट होती है फॉर एडल्ट, एडल्ट के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है आपकी, माउथ, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एडल्ट, एडल्ट्स के लिए क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है, ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं यहाँ पे, इसके अगर फेवर्स की बात करें तो इसके अंदर किसी भी प्राइवेसी की आपको जरूरत नहीं होती, ठीक है, इजीली आपको एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसकी क्या होती हैं, प्रोज होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो किसी ओरल सर्जरी के अंदर अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं,
ओरल सर्जरी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइकेट्रिक पेशेंट या मेंटल इल पेशेंट, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, ठीक है, ये क्या करेंगे, उसको च्यू कर जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सीजर्स, अगर किसी क्लाइंट को क्या आ रहे हैं सीजर्स आ रहे हैं, तो उस टाइम पे भी अपने को क्या करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस में रखना है आपके ओरल थर्मामीटर को, यानी कि ओरल टेम्परेचर टेकिंग को, ठीक है। अगर कोई पेशेंट क्या करना है, इफ पेशेंट यूज्ड च्युइंगम, ठीक है, स्मोकिंग, या फिर उसने हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, अगर उसने लास्ट 15 से 20 मिनट के अंदर यह यूज किया है, तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर अवॉइड करना है, अवॉइड टेम्परेचर फॉर 15 to 30 minutes, 15 टू 30 मिनट्स अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है, यानी कि 15 से 30 मिनट के वेट के बाद में ही अपने को क्या करना है, उसका टेम्परेचर असेस करना है ओरली, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए, कॉन्ट्राइंडिकेशन में ओरल सर्जरी हो गया, मेंटल इल पेशेंट हो गए, ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज क्या है लेस देन 6 ईयर्स है, सीजर्स वाले पेशेंट को भी अपन क्या नहीं कर सकते, ओरल टेम्परेचर अवॉइड करते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको अभी क्या खाया, उन्होंने चिंगम खाया है या फिर उन्होंने स्मोकिंग की है, हॉट या कोल्ड ड्रिंक्स उन्होंने ली है, तो वेट करना है, वेट करना है कितना, 15 से 30 मिनट, ठीक है। अगर एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 20 मिनट्स तो आपको क्या करना है, वेट करना ही करना है, ठीक है। तो ये सभी थे ओरल टेम्परेचर्स के बारे में। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एडल्ट होती है आपकी, टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे अपने को टेम्परेचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकेंड साइट की, जो है आपकी एक्जिला। एक्जिला के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो ये भी आपको क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट होती है आपकी चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है कौन सी, आपकी एक्सिला। सेकेंड साइट आपकी एक्सिला प्रोवाइड्स सरफेस बॉडी टेम्परेचर। सरफेस बॉडी टेम्परेचर क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अगर टेम्परेचर रेंज की बारे में बात करें तो ये कितना होता है यहाँ पे, ये क्या करता है, चेंज होता रहता है आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। जैसे अगर आपको अभी स्वेट हुआ है या फिर आप एक्सरसाइज करके आ रहे हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा आपको, 97.6 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा एक्जिला से, 97.6 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, टेम्परेचर देखने को मिलेगा एक्जिला से, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं, अच्छा मोस्ट कॉमन साइट फॉर चिल्ड्रन इट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है आपकी, एक्सिला। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बारे में बात करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं, तो यहां पे कार्सिनोमा, सी ए से इंडिकेट करते हैं किसको, कार्सिनोमा ऑफ लिम्फ नोड, कोई भी ब्रेस्ट सर्जरी, ठीक है, इसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फेडिनोपैथी में भी क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। इन सभी कंडीशंस में क्या करना है आपको, अवॉइड करना है एक्जिला से टेम्परेचर के असेसमेंट को, ठीक है। अगर उसको कार्सिनोमा है किसका, लिम्फ नोड्स का, ब्रेस्ट सर्जरी हुई है या फिर लिम्फेडिनोपैथी है, इन सभी कंडीशंस में आपको अवॉइड करना है एक्जिला से टेम्परेचर असेसमेंट को। नेक्स्ट अपन साइट की बात करते हैं, रेक्टम। रेक्टम जो साइट होती है आपकी, मोस्ट एक्यूरेट या मोस्ट रिलायबल साइट होती है फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर असेसमेंट के लिए मोस्ट रिलायबल, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मोस्ट रिलायबल साइट कौन सी होती है, तो क्या होती है आपकी, रेक्टम होती है। ये क्या आपका कोर बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, थर्ड वन इज रेक्टम।
रेक्टम की बात करते हैं तो मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर प्रोवाइड्स, ठीक है, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर कहां से मिलता है अपने को, रेक्टम से, ठीक है। अगर बात करते हैं रेक्टम की तो इट प्रोवाइड्स कोर बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है, कोर बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। कोर बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करते हैं, नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उसमें क्या नहीं होता, ये चेंज नहीं होता है। अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर, तो ये कितना होता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, या फिर मैं बात करूं 38.6 डिग्री फॉरेनहाइट क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। कहां से स्लाइटली क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, यानी कि आपका कोर बॉडी टेम्परेचर आपकी सरफेस बॉडी टेम्परेचर से क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। कोर बॉडी टेम्परेचर आपके ब्लड का टेम्परेचर भी हो सकता है और आपके डीप टिश्यूज का टेम्परेचर भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। सबसे इससे पहले अपन बात कर रहे हैं इंसर्शन की, ठीक है, इंसर्शन की। इंसर्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैसा होता है आपका, कितना होता है, 1.52 इंचेस फॉर एडल्ट, एडल्ट की कितना, डेढ़ से दो इंच, एंड अप टू 1.5 इंच क्या करना है, इंसर्ट करना होता है फिर चिल्ड्रंस के लिए। चिल्ड्रन के लिए कितना, डेढ़ इंच एंड 1 to 1.5 इंच, एंड इंसर्शन अगर बात करें एडल्ट के लिए तो कितना, 1.5 से 2 इंचेस तक क्या करना है अपने को, इनको इंसर्ट करना है, ठीक है। रीडिंग टाइम की बात करते हैं तो अराउंड 2 to 3 मिनट्स क्या होता है इसका रीडिंग टाइम होता है। अगर बात करते हैं अपन रेक्टल थर्मामीटर की और ओरल थर्मामीटर की, तो इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आपके पास में दो थर्मामीटर हैं, आपसे पूछे इनमें से रेक्टल थर्मामीटर कौन सा है और ओरल थर्मामीटर कौन सा है, तो इसके बारे में मैं बात आप बता देता हूं, ठीक है। अगर इसका जो बल्ब पार्ट है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ऐसा सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, क्लिनिकल थर्मामीटर या फिर ओरल थर्मामीटर, ठीक है। ओरल थर्मामीटर का जो बल्ब होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। अगर बल्ब का कैसा है शेप, सिलेंड्रिकल शेप है, तो वो कौन सा होगा, ओरल थर्मामीटर। एंड अगर बल्ब का शेप ही बल्ब जैसा हो, ठीक है, जैसे कि मैं डायग्राम से आपको इंडिकेट करता हूं, अगर इस बल्ब का पार्ट कैसा हो आपका बल्ब शेप का, तो यह कैसा होता है आपका, रेक्टल थर्मामीटर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कि क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं आपके रेक्टल थर्मामीटर के टेम्परेचर टेकिंग के लिए। तो अगर इसके बारे में बात करता हूं, तो सबसे पहले होगा आपका कोई भी रेक्टल सर्जरी, ठीक है, आपके रेक्टम की कोई भी सर्जरी हुई है तो उस केस में आपको रेक्टल टेम्परेचर क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोई डायरिया का पेशेंट है या फिर कोई कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है, तो उसमें भी क्या करना है अपने को, अवॉइड करना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करी मैंने, बताया आपको सबसे पहले कोई भी रेक्टल सर्जरी, सेकंड वन इज डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्डियक सर्जरी, कार्डियक सर्जरीज में क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपकी जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व वो होती है वेगस नर्व। ये कैसी होती है, पैरासिंपैथेटिक टाइप होती है, इसका टाइप क्या होता है, पैरासिंपैथेटिक। पैरासिंपैथेटिक क्या करती है, आपके जो सीएनएस या फिर नर्वस सिस्टम को क्या करती है, थोड़ा लूज कर देती है, पैरासिंपैथेटिक। तो अपन बात करते हैं कि कार्डियक सर्जरीज में क्यों अवॉइड करते हैं, ये क्या करता है, जैसे आपने रेक्टम में क्या इंसर्ट किया, थर्मामीटर इंसर्ट किया, ड्यूरिंग दिस क्या होता है आपकी वेगस नर्व क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से क्या होता है, पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, और ये क्या कर देता है, इट में कोज ब्रेडीकार्डिया, यानी कि ब्रेडीकार्डिया क्या कर सकता है, कोज कर सकता है। इसलिए अपन अवॉइड करते हैं कार्डियक सर्जरीज में रेक्टल टेम्परेचर, इट में कोज
ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हार्ट रेट जो होगी आपकी वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रेडीकार्डिया। यानी कि कार्डिक सर्जरी वाले पेशेंट को ब्रेडीकार्डिया के चांसेस होते हैं अगर आपने उसको क्या किया, रेक्टल टेम्परेचर क्या किया, असेसमेंट करने के लिए आपने प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई कॉमन साइट्स के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर फीवर के बारे में। ठीक है, थैंक यू गाइज आपके सपोर्ट के लिए। आपको वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।